दौसा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार से ड्राई रन होगा। इसके लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल सीएससी बसवा और राजधानी अस्पताल में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक कोरोना वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास होगा। तीनों सेंटर्स के लिए कुल 75 हेल्थ वर्कर्स को चिन्हित किया गया है। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए गुरुवार को कलेक्टर पीयूष समारिया ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर्स की टीम गठित कर दी गई और सभी वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित भी किया गया। जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और सभी तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये जैसा कि कोरोना के लिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो टीका आने की जो संभावना है उसके चलते उस टीका आने से पहले जब हम सब लोगों को लगाएंगे तो उससे पहले हमारी जो पाइपलाइन है या जिस तरह का चैनल है जिसमें ये टीकाकरण होना है उससे संबंधित सभी तरह की तैयारियों के लिए रिहर्सल है। इस ये जो रिहर्सल है ये एक एक्टिविटी है, इसका नाम ड्राई रन रखा है। इसमें हमने जिला अस्पताल से 25 लोगों को चिन्हित किया है और उनकी जैसे सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक जैसे वैक्सीनेशन ट्रायल होगा, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे, उसके बाद हम उसको भेजेंगे।